हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का। देखिए यहाँ पे देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए इसे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। क्या फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास का, जैसे NH3 क्या पढ़ेंगे, अमोनिया H2O वाटर। तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो यहाँ देखिए हम बताते हैं। NH3 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन का फाइंड करना है एटॉमिक मास, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है, 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 14 प्लस 3 वन जा 3, ये 17 हो जाएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट आ गया, सिंपल। H2O का हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो मैंने यहाँ रख दिया 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 16 = 18, और ये हो जाएगा AMU, AMU फॉर एटॉमिक मास यूनिट, इसका ही आ गया। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, इस तरह फाइंड करेंगे। और फार्मूला मास, तो फार्मूला मास भी सिंपल है, जैसे एल्युमिनियम का है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, एल्युमिनियम का होगा हमारे पास 27 प्लस 3 इंटू क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 रख लेते हैं, 27 प्लस 105 आ जाएगा हमारे पास 132U या AMU भी लिख सकते हैं। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड का भी निकाल, सोडियम क्लोराइड का भी निकाल सकते हैं। अब एक कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कुछ नहीं करना है, जैसे H2O का भी निकाले थे, यहाँ पे कितना आया है H2O का निकाला 18 AMU आया है, तो यहाँ पे 18 और G4 ग्राम रख देंगे, 18 ग्राम हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन जहाँ AMU है उसके जगह हम ग्राम रख देंगे। अब इसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 12 प्लस 32 44, ये हो जाएगा, बस ग्राम रख देंगे, ये 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, व्हाट डू मीन बाय केमिकल फार्मूला। देखिए केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमको सबसे पहले बैलेंसी निकालना पड़ेगा, बैलेंसी। तो देखिए बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जो कंबाइन, एक दूसरे जो कंबाइन करते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसी। जैसे NaCl है, सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा, क्लोरीन का होता है 17 तो ये क्या हो जाएगा, Na के पास 1 और Cl के पास 1, ये क्या करेगा, एक तरह से कंबाइन करेगा, ये हो जाएगा NaCl। तो भाई जो बाहरी एलिमेंट होते हैं, आउटर मोस्ट एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंसी। बैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज, जो आयन होता है जैसे केटायन एनायन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो उस पे जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है बैलेंसी। तो बैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। इफ नेक्स्ट, इफ द चार्ज इज प्लस 1 मोनोवैलेंट आयन, जिसमें एक चार्ज होता है उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट, जिसमें इफ द चार्ज इज प्लस 2 जिसमें दो होता है चार्ज उसको बोलते हैं बाई वैलेंट, क्या बोलते हैं बाई वैलेंट। अब देखिए वैलेंसी आप केटायन एंड एनायन देखते हैं कि केटायन और एनायन पे वैलेंसी हमको कैसे फाइंड करना है, ये कुछ टेबल बनाया है, इसको समझना है, इसी के थ्रू हम लोग वैलेंसी निकाल के हम लोग केमिकल फार्मूला को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोनोवैलेंट बाईवैलेंट ट्राईवैलेंट, मोनो का मतलब जिस पे एक चार्ज हो, ये केटायन के लिए है क्योंकि प्लस में है ये, और ये एनायन के लिए है। तो प्लस के केस में देखिए मोनोवैलेंट का मतलब इस पे एक चार्ज हो, प्लस 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 प्लस
बाइवेलेंट का मतलब कि दो प्लस हो, ट्राइवेलेंट का मतलब कि थ्री प्लस हो। तो यहाँ पे एच है हाइड्रोजन प्लस पोटेशियम सोडियम सिल्वर अमोनिया सब में प्लस वन है, तो इसका क्या हो जाएगा बैलेंसी प्लस वन हो जाएगा। बाइवेलेंट में बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर इसके सब में टू प्लस आएगा। एल्युमिनियम में थ्री प्लस क्रोमियम आयरन, ठीक है। नेक्स्ट मोनोवेलेंट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड ये सल्फर पे टू होगा माइनस, सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फेट नाइट्राइड फॉस्फेट, तो ये सब पे क्या होगा मोनोवेलेंट। ये एनायन के केस में है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन आ गया NaCl आ गया, तो सोडियम है इसमें, इसमें कितना होगा कहाँ है Na प्लस वन चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन है माइनस वन चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट इस तरह से अगर हम इसको केमिकल फार्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का हमको केमिकल फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सोडियम है तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, Na को सोडियम बोलते हैं, क्लोराइड यानी Cl ये हो गया। अब इस पर चार्ज देखेंगे, सोडियम में क्या होता है प्लस वन होता है और क्लोरीन में माइनस वन होता है। अब ये चार्ज लिखने के बाद बैलेंसी चार्ज लिखने के बाद अभी हम इसको भूल जाएंगे, मतलब कि चार्ज हम ये प्लस माइनस को हमको नेगलेक्ट कर देना है, तो प्लस और माइनस नेगलेक्ट कर दें। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे पे, Na1Cl1 तो इसको वन बाय डिफाइंड तो नहीं लिखा जाता है, तो यानी हम ये फाइनल लिख सकते हैं NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है NaCl, हो गया। नेक्स्ट है सोडियम ब्रोमाइड सेकेंड, तो सोडियम क्या होगा Na ब्रोमाइड Br, तो सोडियम का क्या होगा प्लस वन और ब्रोमाइड का माइनस वन, इसको नेगेट कर देना है चार्ज को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है Na Br सोडियम ब्रोमाइड हो गया, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। थर्ड जिंक ऑक्साइड क्या है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का होगा सिंबल Zn ऑक्साइड का O, जिंक का चार्ज होता है प्लस टू ऑक्साइड का माइनस टू, ये चार्ज हमको भूल जाना है प्लस और माइनस, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Zn को O2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ZnO हो जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड ये मिल गया केमिकल फॉर्मूला। फोर अमोनियम ऑक्साइड NH4 ऑक्साइड का हो, ये होता है वन, ये हो जाएगा माइनस का टू, इसको चार्ज एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो NH4 का होल ट्वाइस ऑक्साइड का हो जाएगा अमोनियम ऑक्साइड। फिफ्थ है अमोनियम नहीं फोर्थ था अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है फिफ्थ है अमोनियम कार्बोनेट NH4 कार्बोनेट का CO3 टू होता है इसका वन होता है, तो NH4 का होल ट्वाइस ये हो जाएगा CO3। नेक्स्ट है सिक्स जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का Zn ऑक्साइड का O, तो जिंक का होगा प्लस टू ऑक्साइड का माइनस टू, ये चार्ज नहीं लिखेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिंक ऑक्साइड हो चुका है जिंक क्लोराइड है, जिंक हो गया क्लोराइड का सेल हो गया, जिंक का हो जाएगा प्लस टू क्लोराइड का होगा माइनस वन, ये साइन भूल जाना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा Zn और Cl2 टू ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड। सेवन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस वन माइनस वन, ये चार्ज नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे HCl, ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। एट वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वन ऑक्सीजन का तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा H2O, वाटर का ही होता है H2O। नाइन कार्बन
ऑक्साइड, तो हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड का हो जाएगा O, कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 2, ये हो जाएगा C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे C2O4, इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा CO2, ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह हम लोग केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, कोई भी दिया रहेगा तो उसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो भी जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम सिंबल, क्लोराइड का क्लोरीन सिंबल लिखने के बाद इसके जो चार्ज होता है वो रख देंगे, प्लस माइनस को भूल जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला। ओके, थैंक यू।